मिनट सी और डॉक्टर की रिपोर्ट मुताबिक इन्हों के गुर्दे जड़े खराब हो चुके सी और तीन बार इन्हों का डायलिसिस हो चुका सी ते लक दा ऑपरेशन करके पैड पाई हुई सी ते बाथरूम लक थाने बढ़दा सी बहुत ज़्यादा परेशान सी इन्हों की वाइफ बार बार कपड़े चेंज करती सी बहुत ज़्यादा परेशान सी फिर सिस्टर जी ने किसी ने जी जिस मिनिस्ट्री बारे दसा ये सिस्टर जी जी जिस मिनिस्ट्री विच आए और प्रभु जी ने दसा ने इन्होंने 91 नंबर जबूर पढ़ने वास्ते कहा सिस्टर ने प्रभु जी ने दसा ने गल मान के 91 नंबर जबूर पढ़ना शुरू किया उस दिन तो इन्होंने हसबैंड फर्क पैना शुरू हो चुका और हम 3 महीने हो चुके इन्होंने जो डायलिसिस बंद हो चुके हर बीमारी इन्होंने जीवन में छड़ के जा चुकी है ये वधिया तरीके नाल खाना खा रहे बाथरूम बहुत वधिया आ रहा है इस गवाही वास्ते सिस्टर और ब्रदर प्रभु जी ने दासा दा और प्रभु जी दा दिल तो धन्यवाद करते सब टाइम पर जय कर तारीफ करेंगे प्रभु दी इस महान कृपा वास्ते आमीन हालेलुया किने लोकां नूं समझ लगी आ ये सिस्टर कह रही आ किने दे जेड़े और लगातार चर्च में आते रहे वचन सुनते रहे और प्रभु के दासा ने जिस तरीके ने सिखाया किया और बाइबल के वचन से विश्वास किया अज तुहाडे सामने खड़े आ और डॉक्टर ने किन्ने होस्पिटल वाले जवाब दिता सी वचन सुनिया विश्वास किया अज तुहाडे सामने लक तुसीं चेक करा सकते जो कोई पैप है दिखाओ लक टी शर्ट चुके दिखाओ अपनी कैमरा जूम करके मार जरा चुको एक काम तेरा करन दा टाइम तू परना लाया पर ड्राइवर आला आ परना ला दिया कर पिछली बार भी इदां कीता पिछली साइड मानो खुले लो पिछले एक्सेप्ट तो छोड़ दो असी आप देख लेंगे अज़ूम कर जरा कितने लोग देख रहे हैं प्रभु दे वचन द्वारा बाइबल दी जिदे जबूर 107 विच लिखा वो अपना वचन कर के रोगियों नु की कर दिया कितने लोग सुन रहे हैं और प्रभु दे दास बिल्कुल सही खप रहे ही कि तुसी इन्ने चिर दे चर्च आ रहे तुहानू ऐत दा नहीं पता तुहानू बाइबल दा नहीं पता पर ये जिहड़ी कमाल है किहदी आ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭੈਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਲਸਿਸ ਦੇ ਨਵਰ ਜਿਹਦੇ 4 ਵਾਰਾ ਡੈਲਸਿਸ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡੈਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਐਮਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਫੜੋ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚਲੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕਿਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਜੋਰ ਦੀ ਜੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਏ ਤੋਂ ਜੈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਬੀ
झूठा नबी बोलते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि बाइबल की नॉलेज दी उन्होंने अंदर की है सारे वालों आते अंत के दिन झूठे नबी उठने हैं पर उन्होंने पता नहीं है कि झूठे नबी है कि और मेरे जी साथियों जो प्रभु का आत्मा बोलता पत्रस की किताब च लिखा हर एक भविष्यवाणी बंदा अपनी मर्जी ना नहीं करता जब तक पवित्र आत्मा अकसाउंदा नहीं आ मैं दूजे के नाम क्यों नहीं लैते जिदे बारे बोलिया प्रभु ने कहा काम हो जा रहे बंद रस्ते फोरन के गुरे उतने शामी फोन आया अज सुपर डुपर ब्लैसड आ और वचन सुनिया वचन मनिया वचन फोकस दिता संतान ने कुछ नहीं किया डबल पड़ी फाइट की लड़े जिते गवाही वास्ते खड़े ने यीशु मसीह के नाम के और वास्ते भी जिन लोग तुम इस जगह से जे एक दूजे के हाथ से हाथ मार जो तो कुछ नहीं होना हाथ से हाथ रखने वाला रब नहीं आ रब कि चले लड़ते तो की करते गरीबी नहीं लड़ना अपनी बीमारी नहीं लड़ना समय लगे चर्च आना तुसी तरीके सीखने किसी के मगर नहीं लगना समझते बाइबल च लिखा भेड़ा के रूप च भेड़ी आने के कलीसिया खेरू खेरू तो बाइबल च लिखा उन्होंने फलों का तुम उन्होंने की करोगे पछाणोगे इस करके इन्होंने लड़े जिते मेहनत की अभी गुड न्यूज देने के नाल आ ठीक है जो तुम भी चाहते सुपर डुपर बनना तो मेहनत करो कल चर्च आने के कुछ नहीं होना तुम जिन्नी मर्जी मीटिंग अटेंड करो तारीफ करा प्रभु के नाम हाँ नैक्स गवाई जल्दी कर दीजिए जल्दी जल्दी प्रभु जी सिस्टर का नाम सुरजीत कौर सुरजीत कौर है पिंड बालकला सिस्टर जी की गवाही के इन्हों के बच्चे का नाम लवप्रीत है पहला अपने एक तार वाला मैं दो हालेलुया प्रभु जी सिस्टर का नाम सुरजीत कौर पिंड बालकला इन्होंने गवाही इन्होंने पोते की है कि ये बच्चे ने अपने कान में तीला मार लिया कान जो बहुत ज्यादा खराब हो गया सी लगातार दवाई ले दवाई डॉक्टर को लेंदे रहे पर कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा फिर इन्होंने प्रार्थना शुरू की थी और विषय रख के वचन पढ़ते रहे इस बच्चे वास्ते फिर एक रात इन्होंने सुपना आया कि प्रभु जी सुपने में आए तो कान के कुछ साफ पा रहे हैं सवेरे उठ के इन्हें वेख्या तो कान जो बिल्कुल ठीक हो चुका है इस दवाई वास्ते सिस्टर प्रभु जी और प्रभु जी के दासों का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करें और दूसरी गवाही इन्होंने जीवन की कि जब प्रभु जी के दास प्रोफेसी कर रहे कि इतने कुछ लोग जिन्होंने मूँह कौड़े रेंदे हैं इस सिस्टर तुहाडे सामने दस रहे कि मेरा मूँह बहुत ज़्यादा कौड़ा रहा उस समय का हूँ बिल्कुल जोड़ा मूँह ठीक हो चुका वा इस वास्ते प्रभु जी का और प्रभु जी के दासों का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे आमीन हालेलुया सब तो पहले प्रभु का आत्मा मेरे दस रहे कहने बोल जो सात हफ्ते का वर्त नहीं रखते उन्होंने कहा वर्त रखने शुरू करो दूसरे के मगर लगना बंद करो जो लोग करते उन्होंने कर लो तुम लोगों वर्ग के तुझे अलग कीते लोग जी किन्ने लोगों ने समय लग रही कोई रोजे रखता नहीं रखता कोई गल पर तुम रखने जे तो अपने घर बचा चाहते जे बीमारी तो चंगे होना चाहते जे गरीबी चो निकलना चाहते जे फिर तुम मेहनत करनी पैनी जे मीटिंग अटेंड करना प्रभु जी दास घोषणा कर रहे बीमारियां जा रही है सिस्टर जी ने रिसीव किया और ब्लेस ऑयल अपने लक दे विच लगाया उस समय उस वक्त इन्होंने लक की दर्द जा चुकी है इस गवाही वास्ते सिस्टर प्रभु जी और प्रभु जी के दासों का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन जोरदार तारीफ करेंगे आमीन प्रभु जी
ਫਲਸ਼ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਸੋਈ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਟਾਈਮ ਪਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਲੈਸ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਧਿਆਨ ਪਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਹਲੇਲੂਇਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇਲੂਇਆ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 35 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ बिलकुल है नहीं ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੀਆਂ ਜੀ ਗਵਾਈਆਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਗਵਾਈ ਸੁਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਤਿਲ ਹਿੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੌਂਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਵਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ सिस्टर जी का बेटा रो रहा मेरे डैडी की हालत जी बिलकुल खस्ता हो चुकी है पास्टर जी की करिए मैं कुछ नहीं करना बस प्रेयर करना लड़ना की करना लड़ना और जितना तू 91 फट जरा हाथ दे विच ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਔਰ ਜਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 35 ਬੀਪੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ 35 ਕੀ ਆ 35 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਐਸਸੀਯੂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਤਾ ਇਸ ਸੰਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਛੰਡੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆਮੇਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੰਡੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣ 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 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੂਸਟ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਹੋਵੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਂ 10,000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਉਣਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ
लड़ना पैना ते अपने तुम छड़ जाना वा। सुन लो ध्यान ना, बैबल लिखा ताडे अपने ताडे की होणगे। मेरे नाल सारा कुछ हो रहा वा, सब कुछ हो रहा। मैं कि दसना नहीं चाहता। सब तो ज्यादा देखो मेरे जो क्रिश्चियन भरा मेरे खिलाफ ने, सब तो मैं सारे नहीं कहता, कुछ जेडे मेरे खिलाफ ने और मेरी चिड़ने नाल दूसरे चर्च जाते। मैं क्या कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं, पर वेखो मैं अपने क्रिश्चियन भरावां दी भी प्रेयर करता कि पिता इन्होंने मूँह से जोड़ा नकाब पिया कि ला दे, इन्हों सच तो झूठ का पता की हो जाए। पर एक दिन मेरी प्रेयर तो उतर गई आ। मैं रात के समय प्रेयर की, प्रभु ने कहा किसी का कोई कसूर नहीं है जो दुष्ट नहीं लोगों को आने देता। क्यों? पवित्रता च रहना, 12 to 2 की प्रेयर करनी, हफ्ते में वर्त रखनी, रेगुलर बाइबल पढ़नी, 12 to 2 की प्रेयर करनी, अपने आप को वधिया रखना। उन्हें पता इतने नहीं आने देना। अज किन्ने लोग चर्च जाते सिर बन के जाते, सिर बन के फिर घर आ जाते हैं। कारण की है कि सिर पर पोचा मार के लोगों ने फिर वापस किया। ये चर्च की वर्शिप तुम देखते, पूरे दिल तो वर्शिप, पूरे दिल तो फायर प्रेयर, पूरे दिल तो इतने क्यों टेस्टिमनी आती है? क्योंकि असं पोचा नहीं मारते, पूरी रीझ ना खुदा के कामों की है। अज लोग प्राइवेट स्कूल च बच्चे क्यों पाते, सरकारी च क्यों नहीं पाते? उन्होंने पता मैडम ने ध्यान नहीं देना, उन्हें सिलाइया आती रहना, तो उन्हें वर्दियां गंद ना लपेट के घर चल जाना। बाद कितने लोग सुनते हैं, पर चर्च जिथे एक एक ध्यान रखा जाएगा, एक एक बंद चेक किया जाएगा। प्रेयर करता, फस्टिंग करता, असं घर जाएंगे एक एक चेक करा कि प्रेयर चल रही है, की कर रहे जी, कि समा टीवी वेखन दे जी, कि टाइम मोबाइल चला जी, कि टाइम तुम संसार में देंगे जी, किन्ने लोग सुनते हैं? ये चर्च है जरा सारे का ध्यान की करता। इस करके मेरे जी साथियों, ये मजाक नहीं आ, एंटरटेनमेंट नहीं आ, रियल चीज में देख रहे जी। इन्हों के पति की जब प्रॉब्लम हुई, प्रभु ने याद किया, प्रेर की, उस वक्त प्रभु ने इन्हें भी लड़े और जिते के मौत के मुंह चो बाहर कढ़ के किया। तो प्लानिंग किन्ने दितिया ही परमेश्वर ने, सारे बोलो परमेश्वर, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा सारिया चीजा दसिया, समझ दे। इस करके प्रभु तुम ब्लैस करे और सुपर डुपर आशीषित है। और एक इन्हों की गुप्त प्लैनिंग सी, कोई मैं दस नहीं सकता, और वह भी प्रभु ने हल कर दिता वा। बहुत कृपा की थी, प्रभु बहुत महान है। मैं बहुत प्रभु ते विश्वास कर दी है, मैं दिलों प्रार्थना कर हालेलुया। मेरे प्रभु ते वास्ते, मेरे वास्ते बहुत महान है, बहुत कृपा की थी, मेरी सुनी है कदान है। आमीन। मैं यकीन किया, मेनू लोग कहंदे आ तू चर्च छड़ दे, मैं कहा मैं चर्च नहीं छड़नी, मैं मर जाऊंगी, मैं प्रभु ना छड़ूंगी। हालेलुया, जोरदार तारीफ, अच्छी वाली, हालेलुया। पहले नंबर से असं कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। सब तो पहले हमें धर्म के विरुद्ध बोलने की लड़ नहीं है, ना असं बोलते, क्योंकि अभी धर्मों तो नहीं लड़ते। साडा काम प्रभु के बारे लोगों को दसना, लोगों को चंगे होना, और उस तो बाद उन्होंने स्वर्ग राज वास्ते तैयार किया। साड़ी ये प्लैनिंग है, साड़ी धर्मों की लड़ाई नहीं, सिंह नहीं उड़ाने के ना ना सानू लोड़ है। इन्हों के घर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई सी, वो किसी बंदे जिहड़ा दूसरा बंदा सी, उन्हें 4000 रुपया सियाने नूं दिता। कुछ कुछ भैन भाई जानते, कुछ नहीं जानते, मैं दसांगा नहीं। गुप्त एक गुप्त आ, मान लो कोई गुप्त काम इन्होंने बेटे ने कोई गलती की थी, उसके कारण वो जिहड़े बंदे सी उन्होंने 4000 रुपया सियाने नूं दिता कि 4000 रुपया ले लिया, तो कहता तुहाडा मुंडा 3 महीने रोना वा। सुनो, इन्हें मेरे नाल गल की थी कि पास्टर जी आ गल आ, मैं इन्हें घर गया खाना खाता, मैं कहा तुसीं टेंशन लो, बच्चा आ रहा किन्ने दिनों चाहिए बीबी, वो किन्ने देर चल, प्रभु दे दास ने जो बोले तो मुंडा 2 महीने च घर, सियाने का तो जो टाइम भी नहीं पूरा आया, कितने लोग सुन दे जोर वाली तारीफ। आमीन। समय लगी आ, एक मिनट भाई, समय लगी तो सारे नूं, इन्हां दे बेटे को कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई सी, तो जो दूसरा परिवार से उन्हां सियाने दे कोल जाके पुछना पवाई कि मुंडा कुड़ी कित्थे आ, हुण तुहानूं समझ लग गई है और कोई प्रॉब्लम सी। इन्हें मैंने फोन किया, मैं क्या कोई नहीं तुम प्रभु के हाथ जो खुदा करेगा, पास्टर जी सानू दसो कदों आना, मैं जो मैंने प्रभु कह गया मैं उदो बोलांगा, मैंने झूठ बोलन की आदत नहीं, मैं बोलदा। आमीन। उस तो बाद जो इन्होंने जेडे दूसरे साइड से उन्हें की आख्या, उन्हें सियाने को जाके 4000 रुपये दिता। सुनो मेरी गल, पर सियाने ने 3 महीने का टाइम दिता,
प्रभु दे दास ने प्रेर की बोला कि आ रहा तो दो महीने बाद मुंडा अपने घर जी ने लोग सुन ले फोन आ गया मुंडे का समझ दे जिन्हें तीन महीने क्या चार चार भी लिया ओदी गल सच्ची निकली सारे बोलो सारे बोलो तो फिर क्यों जाते जी इन्होंने कोल ताड़ी गवांड ने किया सिर पार दो इन्हों का इस करके सारे झूठे तो झूठा से की है पतंदर ने इन्हों को नहीं जाना तुम जो भी पूछना प्रभु जी दासा को बैबल द्वारा सिद्ध किया जाएगा आत्मा द्वारा सिद्ध किया जाएगा ताड़े पैसे भी नहीं लगनगे तो सारिया प्रॉब्लम सॉल्व की है छड़ दो चर्च नू छड़ दो ताडा की सवारिया मैं अपने दिल विच प्रार्थना करती रही प्रभु नू याद करती रही हुण मैं दसना वा पिंड वाले ने भी प्रभु ने आ कीता जो मेरा हालेलुया वेरी गुड तारीफ करो धन्यवाद सर के नाल आमीन ठीक है नेक्स्ट गवाही प्रभु जी दासा दुआवां घर बहुत वधिया बन चुका है इस गवाही वास्ते सिस्टर प्रभु जी और प्रभु जी के दासा का दिल तो धन्यवाद करते अपने घर गाय लैके आंदी सी जो एक किलो दुध देंदी सी और इन्होंने अपने बच्चों के नाल सलाह की थी कि दुध जिहड़ा चर्च विच लैके जावांगे पर नहीं लैके आए प्रभु जी का नाम लैके वचन पढ़े और गाय दे ब्लेस ऑयल लगाया और गाय ने अज फिर एक किलो दुध दिता चर्च लैके आए इस वास्ते प्रभु जी का और प्रभु जी के दासा का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करो हालेलुया एक सेकंड हालेलुया एक मिनट सिस्टर रुक जा जरा किन्ने लोग सुन रहे हैं किन्ने लोग अपने घर की आशीष बतानी चाहते हैं भैन प्रदीप जोइल फर्स्ट और सेकंड पहला जोइल पहली पहला दे आए तो दूसरा दे आए पहला पढ़ना बाइबल दे विच लिखा मैदे दी पेट ते पानी दी पेट जहां वादे कर जो रोक दी लोका ने जो तुसी साडा बंद कर दे ना वो तो ऑटोमेटिक प्रभु भी कहता चल बंद समझ लगी जो तुसी पप्पा दारी ने इत्थे आओगे लैके बाइबल दे लिखा हर एक बंदा अपनी औकात दे अनुसार हफ्ते दे पहले दिन प्रभु दे घर की होवे लैके आवे ताडे दान दे नाल लखां ते हजारां लोग बच रहे जिहड़ा कि तुसी नहीं चाहुंदे लोग बचन डीजल पा के दूजी थां जावांगे लाइव टेलीकास्ट दूजी तरह जाएगा और वख वख जगह ते जाके लोग बचणगे किन्ने लोग सुणदे आ ते जे तुसी कहणा साडा घर बच जाए ही पेट भर लईए ते प्रभु ने कहणा फिर तैनूं मैं डाक्टरां नूं लग्गे भेजण क्योंकि बाइबल च लिखा मैं तेरे खाण वाले नूं की करांगा झिड़कदा तां जे तुसी सही झिड़क वाले बणोगे जो तुम सारा अपना कहो मेरा ढिड भर च रुपया लग गया मैं सारे काला 25 पैर मैं प्रभु ना दवा तो फिर पूरी जिंदगी गरीबी च रवाने पूरी जिंदगी शराब च रवाने तो मैं हर रोज सुना जेडे हंजुआ ना बीजो चकार की करते हैं तुम मेरा अकाउंट जो मर्जी चेक कर लो 8-9 हज़ार तो वह मेरे अकाउंट च नहीं आ मैं नहीं चाहता हो कहना मेरे को आन तो मैं दड़ा दड़ा अपने प्रभु के कामों में लाऊंगा की आ और एलईडी स्क्रीन की गवाह कराई लगी 1,000 रुपया सब ने देनी है जिन्होंने नहीं दी और जिन्होंने आ चुकी मैं नाम नहीं लॉन्च करा मैं नहीं विखावा करा कि दूसरे लोग तराज कर सब ने वेखो मेरा घर नहीं है प्रभु का घर आ जे इतने बीजोगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे तो जे तुम चाहते साढ़े घर बन साडे खर्चे कंट्रोल हो फिर रब के घर बताओ रब के घर मैनू नहीं लोड़ मैनू नहीं किसी ने देना जो तुम जहावा के घर तक हमने भैन ने की किया हूँ बाइबल च लिखा गलातियां 6:6 उतलिखे जोड़ा पानी की शिक्षा लेता अपने सिखाने वाले ने सारे पदार्थों ने की करे सारे बोलो तो इन्हें सानू दुद्ध में सांझी नहीं किया तो प्रभु कि दुद्ध बधा देगा कौन बधेगा हूँ बधेगा क्योंकि लिया शुरू किया बाइबल च लिखा ताडे कोलों कुछ ना कुछ होना खाली हाथ खुदा के घर में पर बहुत सारे खाली आते हैं कुछ नहीं करते बाइबल भी सुनते हैं बाइबल सुनना वा पर उपर चलना नहीं है तो जिन्ना चिर चलोगे नहीं सुनते लिया वा मेडिसन तुम लैके तो जाके फ्रिज से रख दी है असर करेगी अंदर सारे बोलो
जो अंदर जाएगी फिर तुम अंदर तो तब्दील किया। इस करके मेरे जी साथियों जे कर्जा तो फ्री होना चाहते जे तो रब से कर देना शुरू करो। समय लगी तो जे तुम चाहते जे कि बीमारी हटे घर ना बढ़े तो रब से कर देना शुरू करो। जे चाहते कि साडे बच्चे नशे च ना लगन तो फिर हाथ बधाना सही तरीके शुरू करो। सही वाला बाइबल च लिखा डुलदा जिस माप ना तुम मिलोगे मुड़ वो ही तुम मिले कहने लोगों ने समझ लगन दी आमीन। नुकरा पाटी पर जिदा का दे के जाओगे उदा का तुम क्या होगा। शराब तोड़ने तो ताकि मर्जी नहीं तोड़ने तो ताकि मर्जी तुम मदद नहीं करोगे तो होर बने कोई दवाई नहीं हेल्पर आएंगे वो मदद करेंगे वो नहीं करेंगे तो होर करेंगे ये चर्च बदल तो रोक सकता ही क्योंकि जो मेरा काम होता हो सके रोक जाता ये काम ही होता जिदा कभी रोक ही कोई तारीफ करो प्रभु की जोर दी आमीन। इस करके मेरे जी साथियों ताडे घर कुछ भी है सुनो सुनो तुसी अपने घर में बाइबल च लिखा हल्दी की पुड़ी तो लैके ते मुर्गी के आंडे तक तुसी प्रभु के घर में लैके किया लैके किया। सारे ने समझ लगी आ सारे हाथ खड़े करके बोलो सब लो आमीन आमीन। समझ लगी ना आमीन। हैप्पी दी मम्मी पूरे गौर ना देख रही है मुर्गी तो आंडे तो लैके ते हल्दी दी लैके बस फिर बाइबल सारे दसवंत मेरे मोती खाने च लो मेनू पत्तो मैं कांच दी खिड़कियां प्रभु ने कहा इन्नी बरकत बरावांगा तुहानू रखण जोगी जगह जिदा मैनू नहीं मिल रही। मैं सोचना प्रभु प्रभु एक दिन मैनू बोले तेने एक घर तक गड्डी फेर देने वास्ते किया प्रभु ने पता उत्ते जगह थोड़ी है हुण गल नहीं बननी आमीन। इस करके मेरे जी साथियों जे तो कुछ करना वा तो फिर मैदान चाहिए जरा लंगोटा बन के समय लगी दुखा नूं भी झलना वा लड़ना भी तो जितना भी दुख भी आने जी मेरे ते बहुत आ रहे मैं प्रभु की आवाज आती जो जो तुम चकूब की पत्री पढ़ते जे उत्ते लिखा जो ताडे ते भांत भांत के परतावे आउंदे आ तेनू आनंद की गल की आ किन्ने लोग आनंद करनगे घर वाला छड्ड के चल जूगा। हालेलुया बोलो भाई किन्ने लोग आनंद करेंगे घर वाला छड के चला जाएगा नहीं करोगे। हाँ की हो गया आनंद आनंद करना नहीं चाहते कर रब डर गए ड्रिपोको डर गए जी हमने ताड़ा दो हाल वो जो प्रभु यीशु क्रूस से चढ़ गए सारे चेले भज गए दौड़ के कोई नहीं रहा तो पहले सारे प्रभु के नाल रहिंदे पतरस ने की आख्या मैं तेरे बदले जान की करांगा प्रभु ने कहा जान जून की गल छड़ तू अज तेरे नवरा इनकार जरूर मेरा की आ। इस करके प्रभु तुहानू सारयां नूं जानदा इत्थे किहड़ी किहड़ी क्वालिटी बैठी आ तुहाडी क्वालिटी नूं प्रभु जानदा तुसीं ओरिजिनल जे कि जां डुप्लीकेट जे चाइना मेड जे कि जां ओरिजिनल जे जां मेड इन इंडिया जे इहनां लोक सुणदे आ क्यों भैण हरिंदरा चाइना मेड कि मेड इन इंडिया। हालेलुया। इस करके मेरे प्यारे साथियों सब तो पहला वेखो जो तुसीं प्रभु दा घर बनाओगे तो तुहाडा ऐटोमैटिक ही की हो जाएगा क्योंकि मैं वचन पूरा सुन रहा वा हो रहा मैनू पता नहीं कितों रब मेरे इंतजाम करता हजारों की गेम मेरे लखों की गेम मेरे हाथ च आ पर कि सिर्फ हो मेरे प्रभु के काम ली जकूब की पत्री चार दया जो पढ़ोगे बाइबल च लिखा तुम मंगते जे तुम मिलता सारे बोलो इसलिए तुम मंगते जे कोई बद नीति बुरे कामों में उड़ा गई उन्होंने गुलशन में ये नहीं पैसे लैके गलत तां ते नहीं वरतने वो पैसे दे नाल 20% बीजना 10% बीजना समय लगी तुसी 10,000 रुपया सैलरी लेंदे 1,000 रुपया प्रभु का कटना वा तुसी 20,000 कमांदे 2,000 प्रभु का कटना जे तुसी कहना साडा घर बन जे तो समझ लो कि जे लंबे समय तो कर्जे नहीं ना गए शराब नहीं टुटे इहदा कारण इहो ही कि मैं सिर्फ वचन सुनदा हां पर मैं उस तरीके नाल चलदा नहीं सी। समय लगी जे ताडे घर च कुकड़ी आ आंडे लैके आउंदे आ कुछ भी आ लैके आना जिन्हें लोग जिहड़े सौदा लैके आउंदे ना कट्टा सौदा किन्ने लोग नहीं आउंदे अपने घर च मैनूं हाथ ही दिखाओ जिहड़े कट्टा सौदा लैंदे आ हाँ दिखाओ 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 सब तो पहला जदों कट्टा सौदा जिन्हें नहीं किते ओह वी करो हाथ जिहड़े विच लुगे आ
जो तुम सौदा लैकना उस थोड़ा थोड़ा सारिया चीजा तो कट के बोरी भर के सब तो पहला प्रभु के घर लैके की है यह है जी अगे वधन का तरीका यह है जी दूजे की मदद करने का तरीका जे दोगे तो तुम दिता तो जे सोलिया ने नहीं करना तो फिर मर्जी ताकि मैं दवा करके चिकन खा के आ रहा करना हालेलुया सही गल क्योंकि तुम करना नहीं तुम बसे रहना क्यों स्टीवन दोगे तो तुम दिता डुलता डुलता कि भैन जो भैन लैन जाती है ना आटा कई ने दिता ना नप नप के जिदा नप नप तो दूजी भैन है बोती वाले तो लो भैन कभी उदा का सारे बोलो लेगी बस फिर जे तुम पोती वाला दिता तुम भी पोती वाला मिलेगा जे तुम नप नप के खला खला के दिता तुम भी उदा कदा के करेगा इस करके मेरे चीज साथी वेखो मैं भी वचन पढ़ता मैं पता वचन जी डोली कि गुस्सा नहीं करना वेखो कोई कुछ भी कहे वो लालची आ लालची जी मैंने कहा ना तो लोगों ने कहना शैतान ने कहना वो मेरे तो इन्ना दुखी वो तेरी कुड़ी फलान ढींग फलाने एदा ढींग रात एक बंदा मेरे को प्रेर करवाना है वो जान के बैठा वो सारे शरीर में वाल मारे मैनू कि लै आ आता कि लैके आया मैंने गाला क्ढन लै पाया मैं क्या मैं तेन गाल से क्ढनी नहीं जो निकले इतने पर मैं बॉडी चेक कर बिल्कुल फ्री मैं क्या इतना कह उन्होंने मुदो नहीं आख्या उन्होंने मुदो नहीं किया जो निकल गया ना मैं क्या मैंने गाला क्ढन लिया ही अच मेरे चीज साथी चर्च में तुम क्यों नहीं आने का यद रीजन की आ कि इतने ना आए गरीब रहे फा पाले रस्ता फट ले उन्होंने पता इतने सारे फटे जाने दो मिनट तो पहले इस करके शैतान तुम कभी भी जूंदी चर्च में जान वह कह गया चल जा उसे काम अपने चल जाओ उसे चल जाओ कोई भंगड़ा भंगड़ा पा के पोचा पाचा मारना पांच एक मिनट के चलो जी दस बजे जाना तो ग्यारह बजे घर मैं कहना ना ग्यारह बजे साढ़िया दाड़ा दुड़ी सीधी होंगे वा मैक मूह की सैट होंगे यार आ चलो टाइम तीन बज गए इतने कदार की हजूरी है जितने तुम बंधन टुटता नहीं करते देखो मेरे टीच साथियों आप हफ्ते च एक बार मिलना होंगे कई बार दो बार कई मिलते भैन भरा बस मेरे भैन भरा जिन्ना तुम खुदा बीजोगे कला दान नहीं देना प्रेर भी ढाई घंटे करनी है हफ्ते में तीन वर्त भी रखने कला दान नहीं देना भी दान ही देता दान से जोर भी देना खान से जोर भी देना ते फास्टिंग से जोर भी ते बाइबल ते शिक्षा से भी सब तो वध यानी कि ताकि जी लैंडमेंट सारी बराबर जिदा हाँ लाइव नहीं ना सही चलता ओदियां तारा गंध की पछाण इदा नहीं बराबर सारिया बराबर चलनी चाहिए आमीन मैक की आवाज जी कवैर दी तो साबर आवे तो फिर ही वजिए लगू ना क्यों भाई तो पास्टर की आवाज वादा हो कवैर मगर मरिया जो बोलन दी है तो मासा मजा नहीं आएगा तारीफ करो जोर दे नाल प्रभु जी गवाही है कि दूसरी गवाही है कि इन्हां दी बच्ची दी है जद घर तो आई सी बिल्कुल ठीक सी जद राजना दे एकदम इहदे पेट विच बहुत ज्यादा दर्द होई और उसे वक्त तो दर्द जिहड़ी गैब हो गई उहदे तो ये बच्ची बिल्कुल ठीक है इस गवाही वास्ते सिस्टर प्रभु जी और प्रभु जी दे दासां दा दिल तो धन्यवाद कर सत्यम भाई जो का तारीफ करेंगे आमीन तारीफ करो प्रभु जी ठीक हो गया सब हां शेख ब्रदर गोल्डी दी जल्दी कर दो ब्रदर जल्दी करो कैमरे हाँ कोई गल हाँ आप जा हालेलुया 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 और पंजाबी में तो बहुत बहुत हो गया अभी थोड़ा हिंदी में आ जाए कुछ लोग बोर हो गए होंगे शायद सबसे पहले मैं परमेश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोग धन्यवाद कीजिए उनका दूसरी जो तालियां वी हैव टू कीप अ ग्रेट अपॉलस मतलब एक एक ऊंचाई से तालियां दास जी के लिए करिए धन्यवाद धन्यवाद इसकी वजह क्या है आज मैं जो गवाही देने जा रहा हूं ये हिंदी में क्यों देने जा रहा हूं आपका ब्रदर का नाम क्या है हाँ हाँ चलो लाल सिंह ये पंजाबी भी समझ में लेता है और हिंदी भी समझ लेता है लेकिन कभी कभार अट्रैक्शन के लिए बात करनी पड़ती है क्योंकि प्रभु हमारे हैं ना आश्चर्य काम करने वाले प्रभु हैं मतलब चकित करने वाले हैरान करने वाले हाडा परमेश्वर जे ऊंचाइयां ते लेके जाने वाला परमेश्वर है तो सानू किस तरह का होना चाहिए कैट आउटस्टैंडिंग अब मैं एक गवाही देने जा रहा हूं मैं सबसे पहले गवाही पे उतरता हूं मेरी गवाही ये है
दवाई देने से पहले मैं सबसे पहले अपना नाम, अपने गांव का नाम ये जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग नए हैं यहाँ पे। गवाही किस प्रकार से, और हमारे दास हमेशा यही कहते हैं यार गवाही चंगी नहीं हुई, मजा नहीं आया। मैं इतने देर से यही नोट कर रहा था यहाँ पे कमी क्या चल रही है, की कमी आन दी है। कुछ लोगों नहीं समझ आओगे हिंदी च, मैं पंजाबी च भी गवाही दे ले तैयार है। संजी माफी चाहूंगा, मैं 2 मिनट वक्त बाद लूंगा, पर मैं अज को सिखा के जाऊंगा। मेरे दिल ने आवाज कही, क्योंकि दिल की आवाज प्रभु की आवाज होती है। ओके, मैं गवाही स्टार्ट करता। मेरा नाम अकबाल है, प्यार ने मैंने सारे गोल्टी नाम तो जानते हैं, और मेरी वाइफ का नाम मनप्रीत, पीछे बढ़िया संडी वैसे थे, और ओदे कोल एक जड़ा बच्चा हैगा वा, वो परमेश्वर दी आशीष ब्लेसिंग, जिसका नाम अभिषेक, जिसके 2 साल पहला गवाही हो गई सी, मेरे ब्याह भी नहीं होया सी। और गवाही ये है कि मेरे बेटे नु बहुत ज्यादा बुखार हो गया सी, और आज मैं परमेश्वर दी एक गवाही देन जा रहा कि परमेश्वर काम कितना करता। बुखार हो गया, अब उस बुखार में हम लोग चिंतित हो गए, मतलब मैं भी अपने आप में कभी कभार गिल्टी फील करता हूँ कि मैं परमेश्वर कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, और मैंने अपनी वाइफ को ये भी बताया, तुम चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। मतलब मुझे अपने आप पे विश्वास था, परमेश्वर पर भी। लेकिन आज दास की अहमियत की भी बात करने जा रहा हूँ। दास की अहमियत, मतलब दास की अहमियत दी गल किया, अहीं इकलीसिया वा, और दास की अहमियत किया। बुखार मेरे बच्चे नु चढ़िया, और आज की तारीख में जब मैंने ये पिछले संडे और इसलिए पिछले संडे के वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को जब मैं यहाँ पे लेकर आया था बच्चे को, बहुत परेशान हो गए, इतना परेशान हो गया कि बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल वाले का तो मुझे हंसी आती कभी कभार, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है कि हमारे पास इतना बड़ा वजूद है, जड़ है वो हमारे हृदय में है। डॉक्टर ने कहा था इसको एडमिट कर दो, मैं डर गया यार, एडमिट करना है, छोटा सा बच्चा है, ये लोग तो सुइयों को इतना कर देंगे कि ये बच्चा सह नहीं पाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसी दिन मैंने फास्ट रखा, मेरी वाइफ ने फास्ट रखा, मेरी सासू माँ ने फास्ट रखा, और यहाँ पे बुधवार में इसी जगह पर बच्चा आशीष पाकर गया, और कब तक, जब पूरी की पूरी आशीष हो गई, और इस इकलीसिया का जो समय लास्ट टाइम था, और परमेश्वर ने दास ने शिफा भरा हाथ रखा और बोला कि आप दवाई दे दो जाके, और सारी इकलीसिया ने, जो ये बहन भी थी, और इन्होंने सबने प्रेयर की। दास ये पीछे मेरे खड़े हैं, पाल जी, ये दास इतने बिजी रहते हैं कि परमेश्वर बस हाथ ही रखवाते हैं इनसे, और बाद में लास्ट टाइम पर बच्चे का पुकार यू गया इस प्रकार, लाइक दिस। और परमेश्वर काम किस द्वारा किया, इस सिस्टर ने कहा, आपने कहा था कि अरे यार वो बुखार वाला दुष्टात्मा वो देखो वो जा रहा है। आपने कहा, गॉड ब्लेस यू बहन, आपको और आशीष करे परमेश्वर। और जो दूसरी गवाही है, ये मतलब ये हमारी हिम्मत की, मतलब हमें बढ़ावा देने की थी, परमेश्वर हमारा टेस्ट ले रहा था, क्या करते हैं ये लोग, मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया है, ये लोग क्या करते हैं। हमने उसी दिन फास्ट रखा, ये होती है परमेश्वर की गवाही। आमीन आमीन आमीन। सबसे जितने तुसी मेरे को रात कमरे च आए सी, मैं की क्या सी, जितने आप दोनों कमरे च बैठे हाँ, मैं क्या के गल दी टेंशन नहीं लैनी, ये परिस्थितियां दा आपां सामना कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली के बोलिया कमरे दे विच दोनों बैठे सी ना, हां वो दसो इन्हां नूं। एग्जैक्टली, परिस्थितियों में संभालने वाला परमेश्वर हमारे साथ में, मतलब हर जगह ते हर मुश्किल दे मेरे संभालने वाला परमेश्वर ही आ, क्योंकि प्रभु दा दास, आज मैं एमए दसन लगा, प्रभु दा दास कोई एमए गल नहीं आ कि तुम मखौल ना किते समझ लियो, मैं कुछ भैन भरा वेना मैं इस गल्ला दे विच, मजाक भी आ इस गल्ला दे विच मैं वेना वा, ठीक है यार देख लांगे यार, ओ कर लांगे गल यार, मैं कन्ने तक सुने आ, मैंने इन कानों में सुना है। और इस गवाही में आज मैं 2 चीजें कहने जा रहा हूँ, पहली परमेश्वर काम कैसे करता है, दूसरी गवाही मैं आप बताता हूँ कि कैसे काम करता है, बुरे लोगों से साथ ही काम करता है। मालूम है बहुत बुरा हूँ, मेरी वाइफ बहुत बुरी है, कल की बात है, कल रात में मेरी वाइफ कह रही थी यार मैं पंजाबी जी दास जी मैं भेत नहीं आता हूँ परमेश्वर का, मेरे उत्ते भेत प्रकट नहीं हैगा, क्योंकि मेरी वाइफ आशीष हुई सी एक टाइम ते परमेश्वर दे आत्मा द्वारा,
उसके बाद में मैंने ये सुना, मैंने बोला हाँ यार ऐसे होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गल गल इधर दे इधर कर। हालेलुया। उस तो इन्होंने मैं दस दो सेकंड देखो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, इन्होंने कहने का मतलब लिया कि मेरी मैरिज है प्रीत के नाम नहीं सी, दो साल प्रभु के दास ने बेटे का नाम पहले अभिषेक रख दिया था। कितने लोगों को समझ लगी है, समय लगी, तारीफ करो, सौ सनार की एक लोहार की आमीन। उसके बाद में अब मेरे को ये हंसी आ रही है ब्रदर रंजीत पाजी वेर के साइड से। मेरी वाइफ ने आज मॉर्निंग में सपना क्या देखा, और ब्रदर रंजीत जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसकी वाइफ बहुत रो रही है, यार मेरे जाने का भेजने का मन नहीं है। मैं सोचा यार तू एवं रेड़िया ना कर घटो घट, परमेश्वर ने आज वाकई ये आशीष कर दिया कि वो ब्रदर बाहर जा रहा है। और प्रोफेसी कब हो गई थी, मेरे घर पे ही हो गई थी मुझे। And that really, really, the God, God heals, heals, and He is a healer. और परमेश्वर उसानो आशीष करने वाला परमेश्वर है। उस दे वास्ते बहुत बड़ी ग्रेट ताली होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब तो पहले जिन्हें जी साथी बैठे हैं, ये जेड़ा चर्च है सब तो पहले के है प्रोफेसी वाला चर्च है। प्रोफेसी जाने के आप पुलिस बानी ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਆਮੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਬੇਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਟ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਝਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਿਝਾਵਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਵਚਨ, ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੰਜੀ ਨਾਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਨਾਰਾ ਸੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਭਰ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਦੀ
उतरे तो शुक्रवार मेरे जीवन साथी मतलब उठे ये प्रार्थना करने वास्ते मतलब ये बाथरूम करके तो मतलब वापस जो आए तो इन्होंने मतलब एकदम बहुत ज़्यादा दुष्टात पर घेर लिया कि मतलब रुकावट पाने वास्ते इन्होंने मतलब इन्होंने चक्कर खा के डिग पे चक्कर खा के डिग पे इन्हों कोई पता नहीं बाद चेरे साढ़े मम्मी मेरी सस बाथरूम कर उठे तो उन्होंने कहा भी मैंने उन्होंने उठाया क्या नाम लिया कहीं शिंदे ने की हो डिग पे तहूँ नहीं पता मैं नहीं सानू नहीं पता जो मैं उठना ही ना मैंने उठा ही बाद मैं बिल्कुल दौदा उठी तो मैं घबराई नहीं बिल्कुल मैं मैंने कोई बारह बजे मेरे टाइम गया पौने बारह पाँच मिनट रेंगे बारह बजे ने मैं डुटी ही लगे बाद मैं जलदा छट्टा उस वे मारिया साढ़े बच्चे भी उस वे उठ पे तो मैं जलदा छट्टा मारिया डुस्ट उस वे हैवी हो गया डुस्ट हैवी हो गया डुस्ट नाग से संधिया करके ग्रहण करें दोवें थे नाग है नहीं करे मैंने जब मैं जलदा छट्टा मारिया बिल्कुल मैं बाद कन मजबूर पढ़ना शुरू कर दिता तो साढ़िया गुड़िया आदि मैं कहीं मम्मी मैं संतान को फोन लावा तो मैं ख्याल ला लो तो संतान ने फोन लाया फिर संतान आप फोन लाया संतान ने चुकया नहीं कोई गल नहीं तो मैं अच्छ मैं खरिया कोई नहीं आप कन मजबूर पढ़ना मैं शुरू किया बाद असी एक ही खुराक डॉक्टर को लिया के दी तो बाद जो कल मजबूर पढ़ना शुरू किया उदो ही इन्हों का सिर जो मतलब अल मेरा घूमना बंद हो गया बिल्कुल प्रभु की बहुत सारी कृपा कि मैं कोई नहीं आप कल मजबूर पढ़ते हैं हमें ही परमेश्वर की कृपा जानी है तो वह इन्होंने मैं इन्होंने सिर न मतलब मसा किया संतान का औल खड़िया वो मैं सिर चसिया चंकी तरह तो प्रभु की कृपा जी होगी बाद उल्टी आई उल्टी के ना जो दुष्ट आत्मा से बाहर निकल गया मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु के दासों का भी जिन्होंने सानू जो सू असी शिक्षा दे रहे हैं तो असं सीख रहे हैं जेडे सू दस रहे हैं वचना के द्वारा जो सर सकते सू ना पता हों कन मजबूर का असी होस्पिटल धक्के खाते फिरते जितने जाते फिरते जा कुछ हो जाता प्र असी प्रभु च ना आते कुछ ही हो सकता ही पर प्रभु की बहुत महान कृपा आ असी बहुत चेर तो चलते हैं प्रभु पर शैतान फिर भी की अजे भी साढ़े की शैतान जो परछावा आ जिदा परछावें तौर पर आ पर प्रभु की बहुत महान कृपा बहुत नेरिया तूफान झखड़ आए तो जो सू प्रभु ने अज तक पत्थर तो नहीं है वह नेरिया तूफान झखड़ तो सू बचा के रखिया बहुत सारी प्रभु की महान कृपा है मैं इस वास्ते प्रभु दासों का प्रभु का धन्यवाद करती हूँ दूसरी मेरी गवाही कि साड़ी गड्डी भी गवाही है मतलब साड़ी गड्डी मतलब असी बस लई सी तो साढ़े मतलब उस गड्डी के कागज लैन वाले से तो काफ़ी रुकावट आ रही थी तो अं जो संत फिर वैसे कहते कि ताे रुके काम होने जा वास्ते जा रहे असी रिसीव किया प्रभु के दासों द्वारा कृपा हुई है वो जो सानू गड्डी के कागज से थोड़े पैसे देने वाले से।